तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेवंथ बोहर ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन एटम है, तो उसकी स्पीड इतनी है। अब कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड इन थर्ड ऑब्वियसली 3.6 × 10⁶ से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो 3.6 से ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएगा तो ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो स्पीड ही घट गया है, और ये भी सही नहीं हो सकता। या तो ये सही है या तो ये सही है। ये बात समझ में आया? क्योंकि न्यूक्लियस के पास आ गया ना, तो ये अपना न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो ये इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है? एन इज इक्वल टू 1, 2 और ये 3। तो जब 3 में, तो यहाँ पे 7 में था तो इसकी स्पीड V1 थी, और जब ये इसमें आया तो इसकी स्पीड V2 है। V2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबको पता है इन जनरल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो है वो फार्मूला होता है 2.18 × 10⁶ और Z/N m/s। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना? तो ये जो फार्मूला है अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है? तो ये बोर एटॉमिक मॉडल के लिए वैलिड है, वेयर जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है? एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो स्पीड है प्रोपोर्शनल है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब हमें चाहिए थर्ड में, तो स्पीड इन थर्ड इज इक्वल टू स्पीड इन सेवन इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 7 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3। तो स्पीड इन थर्ड जो आ जाएगा, स्पीड इन 7 से मल्टीप्लाई कर दो 3.6 × 10⁶ और मल्टीप्लाइड बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7/ और ये 3। तो यहाँ से तुम 7/3, तो ये तुम करोगे तो 12.2 कट जाएगा, 12.12 × 36, और यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 × 10⁶। तो यहाँ से ये स्पीड इन थर्ड आ जाएगा। तो कुल मिला के अपना सेकंड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।